बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ यूके वेट इशू इन यूके मार्केट, जो आप लोगों को फेस करने को मिला होगा। तो ये सेकेंड वीडियो, आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके या तो चैनल पर विजिट करने के बाद आप इसकी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को उसकी समरी पता लग जाए, इशू क्या है, उसके वेस क्या रिजोल्व होने के, और फर्दर डिटेल्स उस वीडियो में बहुत डिटेल में बात की गई है। आप जाके उस वीडियो को पहले देख लें, और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट डाउन कर दें, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पर सेकेंड वीडियो में आ जाए, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग अमेजोन से अब बात ये करना चाहते हैं कि यू आर नॉट यू के एस्टेब्लिश बिजनेस, तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग बेसिकली किस तरह से प्रोसेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने अमेजोन अकाउंट पर जाना होगा, और अमेजोन अकाउंट पर जाने के बाद जहाँ पर नोटिफिकेशन आई थी आपको, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके देखिएगा, तो वहाँ पर अमेजोन ने आपको बताया होगा कि जो है वो बेसिकली ये ईमेल्स हैं, और इस ईमेल के पे आप जो है ना वो रिस्पॉन्स करेंगे और अपने आप को प्रूफ करेंगे कि यू आर यूके एस्टेब्लिश बिजनेस। और अगर आप लोग यूके एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, तो आप लोग के पास एक और ईमेल है, जो ईमेल मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ के बता देता हूँ, drtax-nonestablish@amazon.co.uk। ये वो ईमेल है जिस पर आप लोग अपने आप को इन्फॉर्म करना होगा कि यू आर नॉट यू के एस्टेब्लिश बिजनेस, और अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स बतानी होंगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इश्यूज ये आते हैं कि यार वो ईमेल तो कर दी, बट अमेजोन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दे रहा है, और सेम रिस्पॉन्स बार बार हमें आ रहा है, और इसको रिजॉल्व कैसे क्यों। और चलो अगर अमेजोन को हमने बता दिया है, तो अमेजोन के ये के मतलब हम जो है ना यू के एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, तो अब इसका इशू कैसे रिजोल्व होगा, हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं अमेजोन अकाउंट में उसका क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ईमेल करेंगे, ईमेल करने के बाद बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ही आ रहे होंगे, तो उन लोगों को उस मसले को रिजॉल्व करना नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप लोग इस मसले में स्टक हो चुके हैं, तो आप लोग हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इस पूरे प्रोसेस में हेल्प आउट करके दे सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये है कि आप वेबिक सॉल्यूशन की सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोग खुद कैसे करेंगे, तो आप लोगों को ईमेल करनी है, और उनसे ईमेल पे कांटेक्ट करने के बाद उनको ये समझाना है कि यू आर नॉट यूके एस्टेब्लिश बिजनेस। अच्छा जी, तो आप लोगों ने अमेजोन को ईमेल कर दी होगी कि यू आर नॉट यूके एस्टेब्लिश बिजनेस, तो अब जब यूके एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, तो अमेजोन को आपने वेरीफाई करवा दिया होगा, और फिर अमेजोन अंडर रिव्यू लेगा, और आपको फिर कुछ दिनों बाद ये बताएगा ईमेल के थ्रू के उन्होंने ये वेरीफाई कर लिया कि आप लोग यूके एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, और आपके अकाउंट पर अब टोटल वेट लाइबिलिटी कितनी है वो आपको आपके अकाउंट पर बता देंगे। किसी के अकाउंट पर 20,000, जैसे मैंने बताया कि आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस पर हो सकता है कि अगर कोई पुराना सेलर है तो उसके 20,000-30,000-40,000 पाउंड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी सेलिंग कितनी थी और उसका बिजनेस कितना बड़ा था, तो उस हिसाब से जो है ना वो उनका वेट लाइबिलिटी बनेगी। और ये वेट लाइबिलिटी के लिए इन्होंने बताया हुआ कि व्हाई डिड दिस हैपन, उसके हवाले से अगेन आपको बता रहे हैं, और व्हाट एक्शन डू आई नीड टू टेक, आपको क्या करना है कि वेट को पे करना है, वेट लाइबिलिटी जो है आपकी उसको पे करना है, और वेट लाइबिलिटी पे करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उन्होंने यहाँ पर फर्दर चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं। और ये है कि अब यहाँ पर आप लोगों को उन्होंने वेट लाइबिलिटी बता दी और सब चीज़ें बता दी कि कितना कितना वेट है और आप लोगों को कैसे पे करना है, और आप लोग उसका प्रूफ फिर भेज दें अमेजोन को, ताकि आप लोगों की डिसबर्समेंट ऑन हो सके और फ्री हो सके। अब इशू सबसे बड़ा अब आता है कि आप लोग के अकाउंट पर 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 30,000 जितनी भी वेट लाइबिलिटी बन रही है, तो जाहिर है उसके बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान में होंगे, और कोई भी ऐसा सेलर नहीं होता जो नॉन यूके रेजिडेंट हो और इतना पावरफुल हो कि वो इजीली ये सारी अमाउंट पे कर दे, क्योंकि इससे पहले जितना भी आप लोग सेल करके आ रहे होते हैं उसमें आप लोगों ने वेट इंक्लूड नहीं किया होता, क्योंकि यू आर नॉट वेट रजिस्टर्ड बिजनेस, जिसकी वजह से आप लोग वेट इंक्लूड नहीं करते, और उस वेट इंक्लूड ना करने की वजह से आपकी सेलिंग प्राइस कम होती है, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, और 20% अमाउंट निकालना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब जो आप लोग के अमेजोन अकाउंट में पैसे फंसे हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो आप लोगों को सबसे बड़ा पहला टारगेट तो यही है कि आप लोग अपने पैसे निकलवा लें, ठीक है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की सेलिंग स्टार्ट करना अगेन उसी अकाउंट पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो आप पे डिपेंड करता है आप लोग उसको किस तरह से रिजोल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पहली वीडियो में देखा हो, और पहली वीडियो में जो तरीका बताया था कि आप किसी यूके रेजिडेंट को ऐड कर लें, या किसी यूके रेजिडेंट पे अपनी कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर लें, तो वो एक अलग वे से उनके थ्रू अगर आप जाते हैं, तो अगर आप में से कोई भी है तो आप लोग कमेंट डाउन ज़रूर करें कि आप लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो किया था, और अमेजोन ने सक्सेसफुली इस केस को वेरीफाइड कर दिया, और आप लोग अभी भी सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया किसी ने, तो कोई इशू नहीं, दूसरा वे जो हम बता रहे हैं उस वे के थ्रू जाएं, और आप पर जो टैक्स यानी कि वेट लाइबिलिटी बनती है उसको पे करने के लिए आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लें।
आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ईमेल करनी है और उसमें डिटेल में आप लिखेंगे कि अपनी सारी चीज़ों के बारे में, और इंस्टॉलमेंट के लिए फोर्स करेंगे अमेज़ॉन को, और एंड देन अमेज़ॉन इंस्टॉलमेंट कर देता है आपकी, और इंस्टॉलमेंट के बाद आपकी डिसबर्समेंट रिलीज हो जाएगी। आप पे करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपकी डिसबर्समेंट रिलीज हो जाएगी, तो आपके जो ज़्यादा अमाउंट में पैसे फंसे हुए हैं वो आपके हैंड में आ जाएंगे। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इधर वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस बिजनेस और वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और समथिंग एल्स। तो बेसिकली आज के इस टॉपिक में तो सिर्फ हम ये बात कर रहे थे कि इस प्रोसेस को किस तरह से किया जाएगा और ये वेट इशू को किस तरह से रिजोल्व करें, हमारे जो पैसे फंस गए हैं उसको किस तरह से बाहर निकालें। तो ये सारा हिस्सा था, पहली वीडियो में आपको दो वेज बताए गए। एक वे ये था कि आप यूके एस्टेब्लिश प्रूफ कर लें ट्रिकी वेज के थ्रू, या आप जो है ना किसी ऐड कर लें यूके रेजिडेंट को, और या तो यूके रेजिडेंट पर कंपनी ट्रांसफर कर दें अपनी। ठीक है, ये सारे वेज थे। अब इन वेज को जिन्होंने अप्लाई किया है वो कमेंट डाउन ज़रूर करके बताएं कि उससे उनको सक्सेसफुल मिला, सक्सेसफुली वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्या इशू हुआ, सारी चीज़ें ज़रूर बताएं। और दूसरा वे जो था कि आप लोग अपने आपको यूके नॉन यूके एस्टेब्लिश बिजनेस प्रूफ कर दें, और उसके बाद किस तरह से वो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, और आप लोग अपनी वेट लाइबिलिटी कितनी है कैसे मालूम करेंगे, और उसके बाद उसको पे या अपनी डिसबर्समेंट को रिलीज़ कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा इस टॉपिक के हवाले से। अगर आप लोगों की कोई भी फर्दर क्यूरी है तो आप लोग कमेंट डाउन कर दें अपनी क्यूरी को, आप लोगों की क्यूरीज को आंसर किया जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकें इस पूरे प्रोसेस में। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या सर्विस चाहिए तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हम आपकी आपके अकाउंट पर जो ये वेट लाइबिलिटी बनती है उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करवाने के बाद आप लोगों के और डिसबर्समेंट को रिलीज़ करवा के आपके अकाउंट में शिफ्ट करवा सकते हैं। ये सर्विस आप लोग हमसे भी ले सकते हैं, खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को पूरा वे बता दिया गया। अगर आप लोगों को हमारी सर्विस लेनी है तो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को गिवन है और ईमेल भी गिवन है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं और उनको इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए किस तरह से प्रोसेस किया जाए इस वीडियो में हमने बात की है। कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट डाउन करें, और फिलहाल अगर हमारे चैनल पर न्यू है आप लोग तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर लाइव होती रहती हैं, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो इजाज़त दें आज के लिए, फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।